नमस्कार, मैं अखिल श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूँ रायबरेली एक्सप्रेस पर। रायबरेली एक्सप्रेस पर आज हम कोई खबर पर नहीं ध्यान देंगे, आज हमारा ध्यान होगा केवल चर्चा करना। आखिर किस बात पर होगी चर्चा? वो बात है 2019 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चलाई जा रही वो एकमात्र ऐसी योजना जिसको लेकर कन्याओं को आर्थिक मदद दी जा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत लाखों योजनाएं चलाई जा रही है। इसी के अंतर्गत एक ऐसी योजना जिसका शुभारंभ 1 अप्रैल 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के नाम से किया। इस योजना के अंतर्गत सरकार कई श्रेणियों में कन्या होने पर, बालिका होने पर आपको आर्थिक रूप में मदद करेगी। आखिर क्या है उसकी श्रेणियां, उसका आवेदन करने के लिए किन किन पेपर्स की आवश्यकता होती है और इसकी पूरी जानकारी आपको कैसे दी जा रही है, इस बात पर आज चर्चा करेंगे। सरकार ने इन योजनाओं का लाभ आपको कुल 6 श्रेणियों में देने का निर्णय लिया था। आखिर क्या है वो प्रथम श्रेणी? प्रथम श्रेणी है कि बालिका का जन्म होने पर सरकार आपको 2000 का आर्थिक लाभ देगी। बात अगर द्वितीय श्रेणी की जाए तो 1 वर्ष तक की पूर्ण टीकाकरण पर 1000 का लाभ आपको सरकार फिर देगी। तृतीय श्रेणी पर बात की जाए तो कक्षा 1 में प्रवेश कराने पर बालिका का आपको सरकार 2000 का लाभ देगी। चतुर्थ श्रेणी में कक्षा 6 में प्रवेश कराने पर 2000 का लाभ आपको सरकार दे रही है। कक्षा 9 में प्रवेश पर 3000 का लाभ। और छठी श्रेणी की बात की जाए तो कक्षा 10 तथा 12वीं के स्नातक तथा 2 वर्ष के डिप्लोमा के कोर्स के प्रवेश पर आपको 5000 का लाभ दे रही है सरकार। आखिर इन योजनाओं का लाभ आप तक पहुंचना चाहिए, वो चाहे जिला प्रशासन द्वारा हो, चाहे वो रायबरेली एक्सप्रेस द्वारा हो। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना का लाभ आप तभी पा सकते हैं जब आप आवेदनों में अपने कागजात को पूर्ण करेंगे। उसके लिए जो श्रेणी रखी गई, जो उसके तथ्य रखे गए, उन तथ्यों पर अगर निगाह डाली जाए तो आपके पास सर्वप्रथम परिवार के पास उत्तर प्रदेश का स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। बात द्वितीय स्तर की जाए तो परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख हो तब जाके इन योजनाओं का लाभ आपको मिलेगा। अधिकतम 2 ही बच्चियों को ये लाभ देगी सरकार। अगर आपके घर में सिर्फ 2 बच्चियां हैं तो उन दोनों को ही ये लाभ मिलेगा। अगर 2 से अधिक है तो आपको ये लाभ नहीं मिल पाएगा। अधिकतम 2 बच्चे होने पर ही ये प्रक्रिया लागू की जाएगी। आवेदन की प्रक्रिया आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। वेबसाइट की अगर बात की जाए तो www.mksy.up.gov.in पर आप इसकी पूरी प्रक्रिया जान सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।